हर खबर में हिंदुस्तान, मेरी पहचान। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी हिंदुस्तान पर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह, मेरा राज्य मेरा देश लेकर के हाजिर। मेरा राज्य मेरा देश में आज देश भर से आई तमाम बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आएंगे। इसके अलावा बुलेटिन की शुरुआत चार बड़ी खबरों के साथ करेंगे जो आज दिन भर की सुर्खियां बनकर के छाई रही। तो हर खबर में हिंदुस्तान, मेरी पहचान। और सबसे पहली खबर मेरा राज्य मेरा देश में देखिए, यूपी के सियासी संग्राम में ट्विटर वॉर चरम पर है। अब तक सीएम योगी जहां ट्वीट के जरिए अखिलेश के शासन काल पर हमलावर थे, वहीं अब अखिलेश ने नहले पर दहला दर्ज किया है। दरअसल सीएम योगी के कार्यकाल को महामाफिया राज बताया है, पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। वहीं दूसरी खबर मेरा राज्य मेरा देश की क्या होगी ये भी जान लीजिए आप। ट्विटर पर किए गए अखिलेश के हमले पर सीएम योगी ने आज मेरठ से बड़ा पलटवार किया। योगी ने लाल टोपी, लाल पोटली और लाल रंग को लेकर अखिलेश को घेरने की कोशिश की। योगी ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को वसूली करने वाला बता दिया है। तो ये आज बड़ी खबर थी दूसरी। तीसरी कौन सी खबर होगी ये भी जान लीजिए आप। दरअसल सीएम योगी के वार पर अखिलेश के सहयोगी और यहां राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। जयंत चौधरी ने सीएम योगी के गर्मी उतारने वाले बयान को लेकर के कहा, पिछले हफ्ते जो ठंड पड़ी थी उसमें बाबा सीएम को ठंड लग गई, वो कंबल ओढ़कर सो जाएंगे। मेरा राज्य मेरा देश में चौथी कौन सी बड़ी खबर होगी वो भी जान लीजिए आप। दरअसल ये चौथी खबर आम बजट से जुड़ी हुई है। संसद में निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद पीएम मोदी ने देश को बजट की बारीकियां और फायदे समझाए। बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है, बजट से किस वर्ग को फायदा और किस वर्ग को नुकसान हुआ, बजट को सभी बारीकियां क्या थी बजट की, ये आपको आगे बताएंगे। क्योंकि ये आम बजट हम आम इंसान के लिए कितना खास ये जानना बेहद जरूरी है। ये चार बड़ी खबरें मेरा राज्य मेरा देश की हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ करेंगे हम। यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बीच में जुबानी जंग इस वक्त तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ट्वीट कर हमला किया। उन्होंने योगी सरकार में महामाफिया राज होने का आरोप लगा दिया और कहा कि बीजेपी में जो जितना बड़ा है उस पर आरोप भी उतने ही बड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। बाबा पबुआ में ट्विटर वार, चिन्नाबादी तमंचाबादी का जवाब महामाफिया राज। यूपी के सियासी संग्राम में शीत युद्ध चरम पर है। वर्चुअल रैली ने जुबानी जंग से ज्यादा सोशल मीडिया पर सियासी शतरंज की बिसात खेली जा रही है। अब तक ट्विटर के जरिए सीएम योगी अखिलेश पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, लेकिन मंगलवार को सौ सुनार की एक लोहार वाले अंदाज में अखिलेश ने पलटवार कर दिया। अखिलेश ने लिखा, बाबा सरकार में महामाफिया राज है। लखीमपुर के किसानों की हत्या, हाथरस की बेटी के साथ हुई अमानवीयता, गोरखपुर हत्याकांड, इनामी अपराधी का खेलना सरेआम, फरार पुलिस कप्तान और अन्य जघन्य कांड जनता भूल नहीं सकती। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। भाजपा में जो जितना बड़ा उतना बड़ा उसका झूठ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी लगातार अखिलेश पर हमलावर हैं। वो ट्वीट करके जिन्नाबादी और तमंचाबादी पार्टी होने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कल पीएम मोदी ने भी वर्चुअल रैली में अखिलेश के शासनकाल पर जमकर प्रहार किया था। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने जवाब देने की कोशिश की है। अभी तो चुनाव का पहला चरण है, तब नेताओं में इतने तीखे वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे ये मतदान के चरण बढ़ते जाएंगे, ये बयान और तेज होते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए आप। यूपी की सियासत से ही जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। अखिलेश के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस, करहल में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शिवपाल के खिलाफ भी यहां प्रत्याशी कांग्रेस नहीं उतारेगी। जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव, करहल से यहां अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। और जसवंत नगर में प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस, करहल से भी जो प्रत्याशी था उसका नाम वापस ले लिया गया।
और आज मेरठ में अपने चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि भर्तियों में वसूली के लिए निकलते थे चाचा भतीजा। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से पूछा कि आतंकवादियों के केस वापस लेने वाले दंगाइयों को वोट देंगे क्या, वो सभ्य समाज उनके साथ खड़ा होगा क्या? इस रिपोर्ट को देखिए आप। लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। दंगा से वसूली तक, लाल टोपी से लाल पोटली तक, बाबा ने सवाल उठाए, चाचा भतीजा घबराए। कहीं वर्चुअल तो कहीं ट्विटर, कहीं डायरेक्ट तो कहीं इनडायरेक्ट, योगी और अखिलेश में जारी है लड़ाई। मंगलवार को पश्चिमी यूपी के दौरे के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश और शिवपाल यादव पर जमकर हमला बोला। 25 करोड़ जनता नहीं बल्कि अपना स्वयं का परिवार महत्वपूर्ण हो गया था। कहीं चाचा भतीजा के लिए, कहीं बुआ भतीजे के लिए, कहीं भाई बहन के लिए। मेरठ में सीएम योगी ने दंगों को लेकर अखिलेश के पिछले शासन पर बड़ा हमला बोला। योगी ने लोगों से पूछा कि क्या वो दंगे करवाने वालों के हाथों में सत्ता सौंपेंगे? क्या दंगा कराने वालों को वोट देंगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोगों को वोट देंगे? इतना ही नहीं, योगी ने उस लाल पोटली पर भी प्रहार किया जिसे आजकल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जेब में लेकर घूमते हैं। और इसीलिए आज बहार लगा रहे हैं, लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं। हम संकल्प ले रहे हैं। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते, तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहाँ के लोग मारे जा रहे थे। इसके अलावा सीएम योगी ने क्रांति की धरती मेरठ से लोगों को आह्वान करते हुए ये दावा किया कि स्वाभिमानी समाज दंगाइयों को कभी वोट नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कांवड़ यात्रा को लेकर। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कांवड़ यात्रा रोकी तो इलाज करेंगे, यात्रा रोकने वालों का अच्छे से इलाज करेंगे। यहां पहले की सरकारें कांवड़ यात्रा रोकती थी, यूपी में अब तुष्टिकरण नहीं चलेगा। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कावड़ यात्रा आपकी हो रही ना, अब पहली सरकारें रोक लगा देती थी। भाइयों बहनों, कैसी सरकार चाहिए? कावड़ यात्रा प्रारंभ करने वाली सरकार चाहिए या कावड़ यात्रा रोकने वाली? तो योगी के गर्मी वाले बयान से सर्दी के मौसम में भी यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। अब जयंत चौधरी ने योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबा को ठंड लग गई है, उन्हें कंबल ओढ़कर लेट जाना चाहिए, इसीलिए बाबा इस तरीके की बातें कर रहे हैं क्योंकि ठंड उन्हें लग चुकी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। फरवरी में चढ़ा यूपी का पारा। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। महाराज की चेतावनी पर जयंत चौधरी का वार। मुझे लग रहा है वो बौखलाहट में उनको खुद ठंड लग गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों राजनेता बयान वीर बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि वो कैराना और मुजफ्फरनगर में जो गर्मी बची है उसे शांत कर देंगे। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी को बौखलाहट में ठंड लग गई है, वो कंबल ओढ़ कर लेट जाएं। पीछे जो पिछले सप्ताह ठंड आई थी, मुझे लग रहा है वो बौखलाहट में उनको खुद ठंड लग गई। बीजेपी का कहना है वो कंबल ओढ़ के लेट जाएं। योगी के इस बयान ने सूबे की सियासत का पारा इस कदर बढ़ा दिया कि इनके इस बयान की गर्मी पूर्वांचल तक पहुंची।
अखिलेश की तरफ से बैटिंग के लिए उतरे ओम प्रकाश राजभर ने योगी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही योगी की गर्मी उतार दी है। उनकी गर्मी तो खुद मोदी जी उतार दिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में पैदल कर दिए और गाना गाए मोदी जी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन इस सर्दी के मौसम में यूपी की सियासत का पारा काफी चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मोदी सरकार का कोरोना काल का दूसरा बजट आज पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी गई है। सरकार ने एक बार फिर लोगों को आयकर में छूट नहीं दी, लेकिन टैक्स पेयर्स को यह राहत जरूर मिली है कि यहां आईटीआर फाइल करने में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो और 2 साल तक की उन्हें राहत दे दी गई। और क्या कुछ रहा इस आम बजट में आम लोगों के लिए, खास रिपोर्ट में देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। बजट में रोजगार, मकान और शिक्षा को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। हालांकि इस बार फिर से आयकर में कोई छूट नहीं दी गई। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां तैयार करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी। बजट की मुख्य बातों को अगर देखें तो इस बार 5 साल में 60 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। 1 साल में 80 लाख घर दिए जाएंगे। 2,37,000 करोड़ रुपए किसानों के MSP खाते में सीधे डाले जाएंगे। RBI डिजिटल रुपया जारी करेगा, जिस पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि अब डाकघरों में भी ATM की सुविधा दी जाएगी। 5G मोबाइल सेवाएं शुरू होंगी। राज्य सरकार के कर्मचारी अब NPS में अपना 14% अंश दे सकेंगे। इसके साथ ही 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। महिला शक्ति के लिए 3 नई और योजनाएं लाई जाएंगी। ई पासपोर्ट जारी करने का भी इस बार ऐलान किया गया है। वहीं अगर सस्ते और महंगे को देखा जाए तो इस बार के बजट में जो ऐलान हुए हैं उसके मुताबिक कपड़ा, चमड़े का सामान सस्ता होगा, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे, हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी, विदेशी मशीनें सस्ती होंगी, खेती का सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और जूते चप्पल की भी दाम घटेंगे, जबकि आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और विदेशी छाते महंगे होंगे। कुल मिलाकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मिडिल क्लास को मायूसी मिली है और कॉरपोरेट को राहत मिली है। यही वजह है कि जहां सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री ने बजट को प्रोग्रेसिव बताते हुए तारीफ की है, वहीं राहुल गांधी, मायावती समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने बजट की आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने किसान से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की हैं, कृषि से जुड़ी हुई भी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में किसानों की रबी और खरीफ फसल का संरक्षण करते हुए किसानों के खातों में 2,37,000 करोड़ रुपए की MSP ट्रांसफर की जाएगी। आइए जानते हैं कि किसानों के लिए इस बजट में और क्या क्या घोषणाएं की गई है। इसके अलावा बजट में किसानों के लिए काबा, पीएम मोदी ने कहा सबबा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में किसानों के फसल के संरक्षण के लिए किसानों के खातों में 2,37,000 करोड़ रुपए की MSP ट्रांसफर की जाएगी। आने वाले दिनों में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कॉरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑयल सीड का आयात घटाने के लिए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की खेती के असेसमेंट के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। इसके जरिए न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को रिवाइव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये बात बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही।
इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बजट के मुताबिक अब किसानों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, यानी कि डिजिटल कृषि पर फोकस होगा। इसके लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी पर काम करेगी। किसानों को फल और सब्जियों की सही वैरायटी इस्तेमाल करने के लिए सरकार कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज देगी, इसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी होगी। दावा किया जा रहा है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से किसानों की जिंदगी आसान होगी, उन्हें फसल बेचना, उनका पैसा लेना आसान हो जाएगा, योजनाओं की पहुंच आसानी से हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट से जनता खुश या ना खुश हो सकती है, लेकिन पीएम मोदी ने देश के आम बजट पर जनता से अपने मन की बात भी साझा किया। बजट पेश होने के बाद क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस दौरान निर्मला ने कई बड़ी घोषणाएं की। इस बजट से कई लोग खुश भी हैं तो कई नाखुश भी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को गरीब दलित पिछड़ों का बजट बताया और साथ ही कहा कि हमारी कोशिश है हर गरीब को पक्का मकान मिले। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। यह योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की अत्याधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। कुल मिलाकर पीएम ने इस बजट को प्रोग्रेसिव और पीपुल फ्रेंडली बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। नोएडा में एक घर पर पूर्व आईपीएस ऑफिसर के घर पर जब छापेमारी की गई तो आईटी टीम की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके बेसमेंट में करीब 650 लॉकर मिले हैं और बताया ये जा रहा है कि ये जो लॉकर थे वो किराए पर दिए जाते थे, लेकिन एक लॉकर को लेने वाले अब सामने भी आने लगे हैं। आनाकानी हालांकि जरूर कर रहे हैं क्योंकि ये लॉकर किराए पर लिए जाते थे। क्या काम था, क्या है पूरी खबर, रिपोर्ट के जरिए जानिए। पूर्व आईपीएस के घर 650 लॉकर, करोड़ों रुपए कैश बरामद। दिल्ली एनसीआर से सटे नोएडा के सेक्टर 50 में रहने वाले एक पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह के घर पर छापेमारी की गई और रेड के दौरान जो नजारा आंखों के सामने आया उसे आयकर विभाग की टीम के सदस्य देखते रह गए। पूर्व आईपीएस के घर में करीब 650 लॉकर मिले। इन प्राइवेट लॉकर्स को तोड़ा गया तो करीब 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। कैश इतना ज्यादा था कि नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। गौरतलब है कि आयकर विभाग की टीम ने पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर के अंदर काफी मात्रा में कैश रखे होने की सूचना के आधार पर शनिवार को छापेमारी की थी। इस दौरान जब आयकर की टीम घर पहुंची तो बेसमेंट के अंदर लगभग 600 प्राइवेट लॉकर मिले। वहीं ये लॉकर अन्य लोगों के बताए जा रहे हैं जिन्हें किराए पर दिया जाता था। आयकर विभाग की टीम ने उन लोगों से संपर्क किया लेकिन वो सामने आने से आनाकानी करने लगे। इस दौरान आयकर विभाग की जांच अब बेनामी लॉकर की ओर बढ़ रही है।
ऐसे में पकड़ी गई रकम सरकारी खाते में जमा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन्हीं खबरों के साथ मेरा राज्य मेरा देश में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी बाकी हमारा खास सेगमेंट मैंने जो देखा। अब बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। और अब वक्त हो गया है खास सेगमेंट मैंने जो देखा का। देश के अलग अलग हिस्सों से जी हिंदुस्तान के संवाददाता बता रहे हैं कि आज उन्होंने क्या देखा है। हालांकि इस सबके बीच में आज शाम बजट भी पेश हुआ है, तो इससे संबंधित भी क्या कुछ उन्होंने देखा जो जहां मौजूद है देश के अलग अलग हिस्सों में, दिखाते हैं आपको। मैं इस वक्त अंबेडकर नगर जनपद के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं, और जो मैंने यहां पर देखा और जो मैंने लोगों से बातचीत की, लोग कह रहे हैं कि इस बार का यहां का सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प है। यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार यानी कि 2017 में 3 सीटें बीएसपी के पास गई थी और 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इसे कहा जाता है कि ये बीएसपी का गढ़ है। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है कि बीएसपी के जो प्रत्याशी यहां से चुनाव जीते थे वो अब हाथी छोड़ करके साइकिल की सवारी कर रहे हैं। और ये अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र, यहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी 2017 में चुनाव जिन्होंने लड़ा था, अब वो बीएसपी के प्रत्याशी हैं। और जलालपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से बीएसपी के उम्मीदवार ने 2017 में जीत दर्ज की थी, फिर दोबारा जब उपचुनाव 2019 में हुए तो वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। अब वो मैं यूपी में हूं और यूपी में आज मैंने देखा कि सबकी निगाहें उस ओर थी जहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज बजट पेश करने वाली थी, और बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि उम्मीदों के साथ साथ ये संदेश भी शायद देने की कोशिश थी जिसमें ये पता चले कि ये सरकार किसानों को लेकर कितनी ज्यादा सोचती है और उनके भविष्य को लेकर किस तरह से काम कर रही है। इस बजट में सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि इस बजट के बाद दरअसल आज ही नहीं आने वाले कल को सुदृढ़ करने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है। और इस बजट में यह बताया गया कि सरकार का विजन है कि किसान आने वाले वक्त में अपने ग्रोथ को लेकर, यानी पीपीपी मोड पे उनके ग्रोथ को, उनके इनकम को दोगुना करने की कोशिश होगी। अलावा इसके कई ऐसे विजनरी प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से बजट में रखे गए जिसके बाद किसानों की आय ही दुगनी नहीं होगी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ेगी, यानी खेती पर, किसानी पर लोग और ज्यादा आश्रित हो पाएंगे। और साथ ही साथ जो खेती है वो खेती कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ती जाए, उसके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती जाए, ये भी वैल्यू रखा गया। जो सूत्र हमारे बताते हैं कि बजट आने से पहले लगभग 20 से 25 बैठकें प्रधानमंत्री ने फिनांस मिनिस्टर से की। आज जब फिनांस मिनिस्टर बजट पेश कर रही थी तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो इन 5 राज्यों के चुनावी कार्यकर्ता थे उनमें उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं चुनाव में मदद मिलेगी अगर सरकार लोक लुभावन या लुभावना वादा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से विपक्ष से लेता है। हालांकि जैसे ही बजट पेश हुआ, जैसे ही बजट सत्र पूरा हुआ, उसके तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस पर गंभीर हमला कर दिया। तो मैं यूपी में हूं और आज की अगर बात की जाए तो आज यूपी में जब हम किसानों के बीच मौजूद रहे, जी हिंदुस्तान की टीम किसानों के बीच मौजूद रही, हालांकि पहले की अगर मैं बात करूं तो उम्मीदें किसानों को बहुत ज्यादा थी इस बजट से। माना यह भी जा रहा था कि जो पिछले समय में, चाहे किसान आंदोलन का जिक्र किया जाए, जैसे किसान बहुत ज्यादा परेशान रहा है, किसान तमाम जो अपने मुद्दे हैं उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाता रहा है, तो उम्मीद ये थी कि इस बार का जो बजट होगा वो किसानों पर केंद्रित हो सकता है। लेकिन जब बजट की घोषणा हुई, इसमें अगर बात की जाए तमाम सेक्टर्स की, युवाओं की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, तो बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो उनके लिए की गई हैं, लेकिन किसान मुख्य तौर पर जो उसकी उम्मीदें थी वो बहुत ज्यादा इस बजट से हालांकि पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिश जो इस बजट में है वो ये की गई है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा किसानों को भी डिजिटलाइज किया जा सके। सबसे बड़ी बात है अगर देखा जाए तो दाल, सब्जी, एलपीजी सब में इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो सैलरी पर्सन उसको सेव कहाँ से करेगा। स्कूल की फीस है, बहुत सारी चीज़ें, अभी स्कूल भी ओपन हो जाएंगे या वर्क फ्रॉम होम, मतलब बच्चों के लिए घर से ही क्लासेस होंगी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी, तो वो थोड़ा सा एक डिफिकल्टी हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम के भी अगर हम देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम में भी हमें बेनिफिट्स नहीं होती। हम लोग तो बहुत कुछ सोच रहे थे कि चलो सैलरी भी बढ़ेगी हम लोगों की, हाँ। और टैक्स में छूट, हाँ, थोड़ा सा सस्ता भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी के इसी बंगले पर आयकर विभाग की जो टीम पहुंची तो हैरान रह गई। और आप देख सकते हैं कि ये नोएडा
के ए ब्लॉक का 6 नंबर ये कोठी है और इसी कोठी के बेसमेंट में जब आयकर विभाग की जो टीम पहुंचती है तो उसे करीब 650 प्राइवेट लॉकर मिलते हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि इन तमाम लॉकर्स में बेनामी संपत्ति जो है वो रखी गई थी। लगातार आयकर विभाग की जो टीम है वो जांच कर रही है कि आखिरकार ये जो तमाम प्राइवेट लॉकर्स हैं वो किनके हैं। आज दिल्ली में मैंने देखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी बार केंद्रीय बजट पेश किया। इसी संसद भवन से निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया जिसे बीजेपी की ओर से क्रांतिकारी बजट बताया जा रहा है और लॉन्ग टर्म लंबी दूरी का एक विकसित बजट बताया जा रहा है। बजट पेश होने के बाद बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुझसे बातचीत में सीधे तौर पर कहा कि ये बजट देश के सभी वर्ग के विकास का, सभी वर्ग को समृद्ध बनाने वाला बजट है। तो वही एनसीपी के सांसद ने बातचीत में कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला बजट था। तो वही महाराष्ट्र से इंडिपेंडेंट सांसद नवनीत राणा ने मुझसे बातचीत में सीधे तौर पर कहा कि चुनावी राज्यों के माहौल को देखते हुए जो उम्मीद थी कि चुनावी राज्यों को लेकर बजट में बहुत कुछ समावेश हो सकता है, लेकिन वैसा बजट नहीं निकला। ये बजट देश का बजट निकला जिसमें महिला सशक्तिकरण के साथ साथ किसानों की आय को लेकर भी सबसे अधिक ध्यान दिया गया। नमस्कार, मैं मीनाक्षी मौजूद हूं इस वक्त करहल में। करहल वो सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। निगाहें इसलिए क्योंकि यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं और दूसरी तरफ उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बाघेल को उतारा है। ऐसे में आज मैं यहां लोगों के बीच गई, मैंने जो देखा मैं वो आपको बता रही हूं। आज लोगों से बातचीत की तो एक तरफ तो साफ तौर पर लोग कहते नजर आ रहे हैं कि सामने कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी बड़ा चेहरा हो, लेकिन चुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को। लेकिन जब मैं महिलाओं के पास गई, मैंने उनसे बातचीत की तो उनकी ओर से यह कहा गया कि योगी आदित्यनाथ की राज्य में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा सुरक्षित हैं। और इन्हीं खबरों के साथ मेरा राज्य मेरा देश में फिलहाल इतना ही वक्त। एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जी हिंदुस्तान पर जारी है।